बचपन से एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मैं अपने बचपन में पायलट बनना चाहती थी। जब भी मैं प्लेन्स को देखती थी तो मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी फाइटर पायलट बन। सो माय चाइल्डहुड ड्रीम वाज टू बिकम आरजे। मेरे को बहुत अच्छी लगती थी उनकी, आरजे की आवाज बहुत अट्रैक्ट करती। मैं डांसर बनना चाहती। आई वांटेड टू बिकम अ फैशन डिजाइनर। बट जब मैं बड़ी हुई तो मेरे फादर ने मेरी शादी कर दी। एंड उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ, शादी के बाद नहीं बन पाई मैं। या माय मैरिज स्टॉप मी टू परस्यूइंग माय ड्रीम। थी बड़ी हुई तो पापा ने शादी करा दी और शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, बेबी, हस्बैंड और घर वाले, सास वगैरह, तो उस वजह से मैं जो है अपना ड्रीम पूरा ही नहीं कर पाई। चेंज ऑफ प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू टाइम एंड नाउ माय फैमिली इज माय प्रायोरिटी देन माय ड्रीम। So I think it's not stopping me pursuing my dreams. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं खरीदना चाहती थी। बट रिसेंटली मुझे अभी मेरी वेडिंग, मेरी सिस्टर की वेडिंग थी तो मुझे एक लहंगा बहुत ही अच्छा लगा था बट मैं उसे परचेज नहीं कर पाई। So there was a time when I wanted to buy a wristwatch for me but because of some priorities at home I could not buy that. मैं हमेशा से अपने आप को एक स्कूटी गिफ्ट करना चाहती। मैं काफी टाइम से एक आईफोन लेना चाह रही हूँ लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं अपना ड्रीम पूरा ही नहीं कर पाती। मैं अपना आईफोन जो मैं चाहती वो ले ही नहीं पाती। मैकबुक। यस ऑफ कोर्स। मतलब एवरी जो लेडी मतलब वुमेन्स है वो चाहती है कि उनको शादी के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम तो होनी चाहिए क्योंकि काफी खर्चे होते हैं बहुत सारे ऐसे, तो डेफिनेटली होनी चाहिए। दैट इफ आई वुड बी हैविंग सफिशिएंट मनी एंड सम फाइनेंशियल फ्रीडम आई शुड हैव बॉट दैट। या आई वोंट बी अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। नॉट, क्यों नहीं। यस। ऑफ कोर्स यस। यस ऑफ कोर्स आई वोंट फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी। Yes, of course, I do. Sure, बिल्कुल। Yeah, of course. And I think everybody wants to become a financially independent.